और पास में देखो जू दिख रहा है, दिख रहा है कहने जैसे अंकल मुस्कुरा था क्योंकि अंकल को मैं ठोकने वाला था। यार भाई यू भवन डला देंगे बवंडर। हाँ यार भैया यार कितना गंदा वीडियो को, भैया माफ कर दो, तौबा तौबा गलती हो गई। वीडियो अनदर ब्लॉग, तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कुछ नहीं, दिखाएंगे बहुत कुछ। हम जाएंगे थोड़ा घूमने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि हैप्पी रिपब्लिक डे। आशा करता हूँ आप घर में हो, सुरक्षित और अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे। तो हम जाएंगे थोड़ा घूमने, तो मिलते हैं साइकिल पे ही जाएंगे। आ गए हैं, रोड से लेना पड़ेगा हमको राइड लेना पड़ेगा। सामने से आ रहा है, तो जाने का ऐसा तो कोई इरादा नहीं था और कुछ भी नहीं था, बस बैठे रहे, बैठे बैठे ज़िंदगी ऐसे ही कटा रहे थे, सोचे चले ही आए। तो जाते जाते बस यही कहना है कि सफ़र के मज़े लेते रहो और क्या कुछ। तो अभी करीबन जाने में मुझे टाइम लगेगा 2.25 साल ऐसे ही लगेगा, मजाक कर रहा था। अभी मुझे जाना है 25 किलोमीटर, तो हिसाब लगा लो मेरे हायाबुसा का स्पीड को देख कर। तो अभी फ़िलहाल टाइम तो लगेगा 3 घंटे, 3.5 घंटे के आसपास लगेगा, फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो बात बता रहा था कि ऊपर से ना बहुत कुछ, मतलब इंसान का ऊपर जो ऐसे प्रेशर पड़ रहा है, जैसे कोरोना हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, तो इसमें ना बंदा बहुत घबरा जाता है कि करूँ तो क्या करूँ। तो इसलिए मेरा भी सेम ऐसा ही कुछ कंडीशन हुआ था। तो मैं इसलिए ही बोलता हूँ, जब तक सफ़र का मज़े नहीं लोगे तब तक लाइफ का कैसे मज़े लोगे। तो इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ कि सफ़र के साथ साथ चलते रहो। ऊपर से क्या हो रहा है ना, साइकिल चला रहा हूँ, सांस बहुत फूल रही है, तो आगे बढ़ो और देखते रहो हमारा। मुझे कैमरा खोलने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पास कोई GoPro कोई एक्शन कैमरा है नहीं, तो जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं कैमरा खोलता नहीं, क्योंकि हमारा जो कन्हैया लाल है उसका दर्शन हम अकेले अकेले कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं कैमरा खोल के आपको दिखाने के लिए कि हमारा कन्हैया लाल की कितनी सुंदर मंदिर है, वही दिखाने के लिए आपको। भीड़ देखो भैया माफ़ कर दो, तौबा गलती हो गई भाई साहब। तो राधे राधे कन्हैया लाल की जय बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और कितना सुंदर लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है। तो सफ़र का मज़ा लेते रहो कन्हैया लाल की। हम प्रार्थना कर चुके हैं। अब भैया यार कितना गंदा, यार इतना, आगे एक डॉगी था एक्सीडेंट होके मर गया था, इतना बुरा लगा देखते ही। इसलिए ना मैं ऐसे मतलब खुले में राइड मतलब घूमना पसंद नहीं करता, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे चीज़ दिखने को मिलेगा ना कि दिखते ही आपका मन गस जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनिमल लवर हूँ, तो इसमें मुझे ये सब देखने में ना बहुत बहुत दुख मिलती है। तो जीवन में तो ये उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, तो आगे चलती है और सफ़र का मज़ा लेते रहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वीडियो ना जो बंदे देख रहे हो फटाक से एक लाइक कर दो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और घंटी तो बजा दो महादेव के नाम पे, क्योंकि मेरे हवा पूरा फुल था, हवा ख़त्म कैसे हो गया वो नहीं पता। तो गैरेज में आया है, चेक करेंगे और निकलेंगे आगे तक की तरफ। अभी हम है जोका में, दिखाई नहीं देगा, तो वो रहा है जोका, तो आगे के तरफ जाएंगे, यहाँ काम ख़त्म करते ही निकल जाएंगे। बहुत टाइम हो रहा है, हवा देते हुए हम जाएंगे बाईपास पकड़ के पूरा एकदम घूम के जाएंगे। तो भाई बाईपास मारेंगे, बाईपास तो जाओ। तो अभी फ़िलहाल बाईपास मारेंगे, चलो मिलते हैं। में हम घुस चुके हैं बाईपास के रास्ते में, हम जा रहे हैं बाईपास में, हम घूमेंगे बाईपास।
बस में हम जाएंगे तो स्पीड बहुत अच्छी पकड़ेंगे, भवन डला देंगे भवंडर। अभी भवंडर आएगा, भवंडर लहरा 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 और लहरा। तो चलो जुगाड़ की चीज पॉकेट में डालना होगा, फिर जुगाड़ को बाहर निकल के फिर वीडियो बनाना होगा। तो आगे मिलता है, मजे लेती रही। सच्ची बताओ मैं खो गया था बाईपास में, खो गया था सच्ची। तो अभी इधर से जाना पड़ेगा मुझे कहीं, कहाँ मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन BMW क्या लग रहा है यार। तो अभी फिलहाल यहाँ से जाना होगा लेफ्ट। तो कितना सुंदर लग रहा है, और सच्ची में मैं रास्ता घूम गया था इतना गंदा तरफ से, एक ही जगह में बार बार घुमा रहा था गूगल महाजी। तो मिलते हैं सामने और मज़ा लेते रहिए। तो मुझे ना बहुत डर लग रहा है क्योंकि सामने ये देखो ये क्या है भाई यू। तो भाई मुझे डर लग रहा है क्योंकि ब्रिज है वन वे रोड में। तो अभी ब्रिज से उतर रहे हैं और सामने का नज़ारा क्या सही बताए। चलो मिलते हैं सामने। एक चीज़ दिखाओ, ये देखो बिना पेट्रोल की चल रहा है बहुत तेज। सामने गाड़ी है, रुकना पड़ेगा नहीं तो मैं नहीं रुकता। जब तुम्हें रास्ता पता हो तब चलने का मजा है, क्योंकि यार डर लगता है अकेले। मतलब वो वाला वो गली वगैरह जगह में ऐसे रोड रोड में चलोगे तो कोई मतलब नहीं। पर क्या ओ भाई 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 भाई, ये ना बहुत स्लिप कर रहा है ये ट्रेन का, मतलब ये जो ट्राम का जो लाइन है ना, इधर बहुत स्लिप कर रहा है चक्का, क्योंकि हमारा चक्का बहुत पतला पतला है ना, इसलिए अभी इधर से जाना पड़ेगा हमको। बहुत परेशान हो गया था ना एक टाइम पर, लेकिन अभी फिलहाल 2 साल एक देख लो और चलते हैं, और थोड़ा सा ही बाकी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, मज़ा आ गया आज तो, आज तो सच्ची मज़ा आ गया। मतलब इतना मतलब परेशान हो गया था ना मैं, क्योंकि उधर रोड नहीं मिल रहा था मुझे, एक जगह में बार बार घुमा रहा था तो क्या करूं। तो आगे चलते हैं, सांस बहुत फूल रही है क्योंकि टेंशन में हूँ ना, टेंशन। और पास में देखो जू दिख रहा है, दिख रहा है कि जैसे अंकल मुस्कुरा था क्योंकि अंकल को मैं ठोकने वाला था। तो आगे चलते हैं। तो ये सेकेंड गेट है जू का, और यहाँ से पूरा कट जाता है विक्टोरिया जाने का रास्ता। हरी हरी में तो बोल दिया, कोई बात नहीं, चलो सामने हम जा रहे हैं विक्टोरिया। आपको तो थंबनेल और टाइटल से पता ही चल गया था, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं अपने मुंह से, या मुंह से सुनने का बात ही कुछ अलग है। तो फिलहाल सामने जाके मिलते हैं आपको। तो अभी बहुत घूमने के बाद हम विक्टोरिया तो नहीं बोल सकते, लेकिन विक्टोरिया के पास में है। और अभी पूरा ये आपको मैदान दिख रहा होगा, और ना पहले बात ना वो सब कुछ धुंधला धुंधला है। हाँ सच्ची, ये रोड है विक्टोरिया का, और विक्टोरिया तो सामने है। तो फिलहाल सामने जाके मिलता है आपसे, मिलते तो रहेंगे ही क्योंकि मैं तो हमेशा ही हूँ। तो सामने मिलते हैं, पार्क है, और ये पूरा मैदान बच्चे सब खेल रहे हैं, बहुत भीड़ है। अभी विक्टोरिया के उधर नहीं गया, सोच रहा हूँ इधर साइकिल रख के फिर उधर जाऊँगा, क्या जैसा होगा दिखा जाएगा। तो सामने चलते हैं ये पैदल चल रहे हैं हम। तो ये रहा, एक चीज़ दिखाओ, ये रहा घोड़ा का गाड़ी, मस्त लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये सामने से हमको जाना होगा, अभी क्या पता साइकिल रहेगा या नहीं रहेगा, बहुत डर लग रहा है, लेकिन साइकिल रहेगा इतना मुझे लग रहा है, क्योंकि इधर बहुत सारे ऐसे गाड़ी है जो है अभी इधर, देखते हैं जो भी होगा दिखा जाएगा। तो
चलिए विक्टोरिया के पास चलते हैं। फिर से एक गाड़ी आ रहा है, ये काला वाला था, मतलब आगे का वो सफ़ेद वाला था, ये काला वाला है। चलो देखते हैं सामने जाके क्या होता है। जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए सामने जेब्रा क्रॉसिंग था, पूरा यहाँ से वहाँ तक घूम के आए। अब ये रहा विक्टोरिया का गेट का, इधर चलते चलते यूं ही बूढ़ा होते रहेंगे, लेकिन कभी भी ये ना कहेंगे। ओहो हो, गंदा कट रहा था, अभी इतना गंदा कट रहा था क्योंकि सामने वो चक अरे वो मासी लोग रहता है ना, तो यहाँ तक मतलब यहाँ से जब कोई जाता है ना तो वहाँ से पैसा लेता है, तो इतना मुझे पकड़ के मतलब बोल रहा था कि मैं तो डर गया, मतलब क्या हुआ भाई। फिर मुझे एहसास हुआ हाँ ये बात है। तो अभी फ़िलहाल सामने का नज़ारा दिखाऊंगा, ये देखो एक मिनट। तो अभी इधर पूरा घूम रहा है, अभी इधर बैठने का 100 रुपये लेता है आई थिंक, मैं 2 साल आगे का बात कर रहा हूँ, दो जन का 100 रुपये, मतलब घोड़ा ही पूरा आपका है, मतलब 2 जन ही बैठने का जगह है ये जो देख रहे हो। और यहाँ तो अभी नहीं दिखाऊंगा, मुझे ना जल्दी ना एक घूम घाम के चला जाना होगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह एक साइकिल पार्क करके रखा हूँ, बहुत डर लग रहा है क्योंकि अब क्या बताए, सामने चलते हैं। अभी इतना मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा ना डर जाओगे, डर तो नहीं जाओगे लेकिन अच्छा लगेगा आपको। टाइम हो रहा है करीबन 5:30 बजे, इतना क्राउड भैया, इतना क्राउड। तो अभी मेरे अंदर जाने का बहुत शौक था लेकिन क्या कर सकते हैं, बंद हो चुका है। तो हमारा विक्टोरिया, प्यारा प्यारा विक्टोरिया, बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत क्या ही बताए। या पूरा क्राउड ही क्राउड। तो मैं यही सोच रहा हूँ सुबह कितना भीड़ होगा। ये पूरा नो एंट्री है इधर, मैं साइकिल नहीं ले पाता, इतना क्राउड है, मुझे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा लग रहा है यार, क्या करूँ। पूरा चारों तरफ आदमी ही आदमी, तो फटाफट ना कुछ फ़ोटो खरीद मतलब खींच लेता हूँ, खरीद कैसे लूँगा, तो फ़ोटो खींच के आते हैं। और एक बात, ये फ़ोटो देखने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में या ये देखो नाम नीचे आ रहा है यहाँ दे दूँगा, देख लोगे तो मिलता है। 2-3 फ़ोटो तो खरीद लूँ मतलब खींच लूँ, फिर खरीदने की बात कर रहा हूँ, फ़ोटो खींच लिए है फिर खरीदने की बात कर रहा था। तो अभी चलते हैं मार्ट के उधर और उधर जाके दिखाएंगे कि ये सीन क्या हो रहा है, क्योंकि ना मुझे एक वो टेंशन रह रही है क्योंकि मेरा साइकिल वहाँ है, क्या ही बताए, डर लग रहा है सच्ची में, चला जा रहा हूँ, टाटा भाई भाई ख़त्म गया। चीज़ का रह गया कि अंदर नहीं जा पाए क्योंकि अभी ना वो 4 बजे बंद हो जाता है, तो अंदर इतना कुछ दिखा था और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैं जा रहा हूँ साइकिल के पास क्योंकि मुझे बहुत हो रही है टेंशन, क्योंकि यार एक ही साइकिल है वो भी बूढ़ा वाला गरीब वाला, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ना घबराहट हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि यार प्यार है मेरा, वही प्यार है, बाइक नहीं है तो क्या हुआ, साइकिल ही मेरा प्यार है, तो जब होगा तब होगा। लेकिन यार एक अफसोस रह गया कि अंदर नहीं जा पाए और आपको भी नहीं दिखा पाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना है तो होगा ही, ठीक है, और जो होता है तो अच्छे के लिए होता है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते, ओ भैया, ये भैया तो घुसे ही जा रहे थे, ये जो पीछे वाला भैया देख रहे हो ना पूरा अंदर घुस गया, क्या देखते देखते क्या धुन में था, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी सामने का सीन देखो, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये घोड़े,
और ये जो जो ये जो हैंड में पहनाया है बहुत क्वालिटी बहुत ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि गरीब आदमी है यार ये बना रहा है, ये भी मेरा किस्मत ही है, ये चल रहा है, यही मेरा अच्छा ही है, मतलब क्या ही बताए। और ये पेड़ बहुत ही अच्छा लग रहा था, और वो शाम के टाइम ना, शाम के टाइम हो रहा है ना, तो जो जितना पंछी होता है आसपास का सब आके इधर ही बैठता है, इधर ही बैठता है, तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इसका जो साउंड है ना बहुत खूबसूरत है। तो बस ऐसे ही चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जगह है वही मैं देखने जा रहा हूँ, बहुत घबराहट हो रही है, सच्ची नहीं दिख रहा साइकिल। एक चीज़ दिखाऊँ, मेरा साइकिल पूरा सही सलामत है, और सामने सामने दिख रहा है कि नहीं पता, वो सामने क्या बात है, यह सब बॉड बॉल खेल रहा है, और ना थोड़ा थोड़ा वो कोहरा है, कोहरा चारों तरफ कोहरा है, हल्का 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 सा लिया रहे, तो यहाँ भी थोड़ा फ़ोटो खिंचा के निकल पड़ेंगे क्योंकि मुझे जाना है। बहादुर मैं ना ये ऐसी साइकिल पकड़ के इतना खुशी हो रहा है क्या ही बताओ। तो भैया एक मिनट, बस रास्ता पार होने का वेट कर रहा हूँ, यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जो गाड़ी देख रहे हो भाई कितना औसम लग रहा है, ये हमारा आर्मी का गाड़ी, तो ये साइकिल लेकर अभी उस पार जाना होगा, क्या ही बताए, घबराहट हो गई तो सच्ची। मतलब बाइक होता तो इतना नहीं होता क्योंकि वो पूरा लॉक रहता, ये तो कोई उठा के ले चके चला जाएगा, ऐसा एक चीज़। अभी उस पार चलते हैं, उस पार चलो चलो, उस पार, उस पार चलो चलो, उस पार चलो चलो, यहाँ पे स्पेशल, यहाँ से पूरा घूमते हुए अभी दिखाऊंगा, सामने से घोड़ा दिखाऊंगा पूरा मस्त एकदम। इधर भी खेल चल रहा है, बढ़िया बढ़िया, सोच रहा हूँ और थोड़ा रुक जाओ, घोड़ा ही पैदल ही चल रहा हो, क्या करो, अभी फिर से उस पार जाना होगा, या मैं निकल जाऊँ या क्या करूँ वो आगे के अपडेट में मिलेगा। फिलहाल सीन कुछ ऐसा है तो अभी जाऊँगा मैं उस पार। ये महंगा आदमी भैया हेलो क्या कर सकते हैं, बताओ मैं फिर से सच्ची बताओ, मैं फिर से विक्टोरिया आ गया, विक्टोरिया का पास, क्योंकि साइकिल लेके आया, क्योंकि मुझे हो रही थी बहुत घबराहट। और भैया ये देखो, ओ भाई इतना सही लग रहा है ना, मस्त बता रहा हूँ, मतलब सही बता रहा हूँ ना, एक अच्छा कैमरा रहता तो मज़ा आ जाता, पूरा मज़ा आ जाता एक अच्छा कैमरा रहता तो। कहीं इन फ्यूचर हम भी खरीदेंगे, पैसा तो हमारा भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, यही लेके काम चलाएंगे। लेकिन फ़िलहाल टाइम ये है कि साइकिल हमारा पूरा सही सलामत है, चाबी नहीं दिया, चाबी देके थोड़ा रुक के फिर निकलेंगे इधर से। सच्ची ना मैं चला जा रहा था लेकिन मुझे ये धुंध रोक लिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं आता क्योंकि यह बोरिंग सा जगह है एक, इसलिए मैं यहाँ नहीं आता। लेकिन गाना ना मेरा एक इतना अच्छा, एक मतलब इतना पसंदीदा एक चीज़ है, मैं गाना के बिना नहीं रह सकता, गाना सुनाई दिया तो आ गया। ये देखो घोरा पूरा पास से गया, एकदम छोटा वाला, छोटा नहीं था। और एक चीज़ दिखाओ, ये देखो बहुत बढ़िया, कुछ ऐसा नज़ारा है, मैं बार बार बता रहा हूँ ना, ये कैमरा का क्वालिटी एडजस्ट कर लेना क्योंकि कैमरे उतना अच्छा नहीं है। तो इधर घोरा वगैरह ये वो सब अच्छा है, मैं अभी निकल लूँगा इधर से, बहुत प्यारा लग रहा है। बिगेट से निकल के हम सामने की तरफ जा रहे हैं, पूरा घूम लिया और लाइट इतना बढ़िया लग रहा है। अब साइकिल लेंगे
और निकल जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि बहुत घूम लिया और पूरा 4.5 घंटे हो गया मैं घर से, मतलब घर से निकलते हुए, और 4.5 घंटे में तो बाइक लेके मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा आप सोच ही सकते हो। लेकिन रहे तेरी आन सदा जाए जान मेरी ये रहे ना, गाना सुनाई दे रहा है बहुत ही अच्छा। मतलब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और मैं वीडियो कंटिन्यू करना का मतलब करना चाहता था, लेकिन मुझे चाहिए था थोड़ा वो मैप देख के जाना था, और ना बीच में मैं वीडियो बना था लेकिन मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। तो ऐसा वीडियो एंड करने का मतलब कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या कर सकते, अब तो घर आ चुके हैं। कल रात को मैं 9 बजे घर आया था, तो यही बोल के मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, मज़े करेंगे फिर से।